आपने देखा Q1 से Q2 की ओर एकांक वेक्टर की डायरेक्शन। अब हमें Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल उड़ान के नियम से आप जानते हैं, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर इक्वल टू, इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r² b की दूरी, एकांक वेक्टर Q1 से Q2 की ओर एकांक वेक्टर की डायरेक्शन आप देख रहे हैं R12 cap F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² और Q1 से Q2 को एकांक वेक्टर है r12 cap। ये F वेक्टर का मान सदिश के फॉर्म में। अब आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की दूरी r और ये r किसके बराबर, इसी मॉडुलस के बराबर है, और ये किसके बराबर, इस मॉडुलस के, इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो पहले Q1 के कारण Q2 पर बल, फिर Q2 के कारण Q1 पर बल, क्या नतीजा आएगा, दोनों बल परिमाण में बराबर आएंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा, दोनों पर इधर 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, बल तो परिमाण में बराबर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो इस आवेश का इस पर बल, इस आवेश का इस आवेश पर बल, दोनों बल परमाणु में बराबर आएंगे, दिशा में विपरीत आएंगे। परमाणु का मतलब जैसे इधर 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, दोनों का परमाणु बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। हम इसको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ देखिए r² और ये दूरी r को हम Q1 से Q2 की ओर ऐसे मॉडुलस के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसी को, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r² का फॉर्मूला देगा r12 cap मॉडुलस r² r12 cap। F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, आपको मालूम होगा एकांक वेक्टर का ये फॉर्मूला अपॉन ए वेक्टर मॉड्यूलस, इसको हम लिख सकते हैं r12 cap इक्वल टू r12 वेक्टर अपॉन r12 वेक्टर मॉड्यूलस, तो ये इसकी बराबर है। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, क्या होगा ये r12 वेक्टर अपॉन ये आ जाएगा, तो ये स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई गुणा करेंगे r12 cap, ये बन जाएगा q। इसके स्थान पर हमने ये पुट कर दिया, यहां पर ये ऐसे आ गया F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसकी वैल्यू आपने अभी देखी r2 वेक्टर मॉड्यूलस माइनस r1 वेक्टर मॉड्यूलस ये क्यू, और ये है इसका मान है r21 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये आपका समीकरण 1 बन गया। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, अब हम इसको निकालेंगे इसी प्रकार से, तो ये समीकरण 1 बना। इसी प्रकार से
इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर बार, इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पर बार, तो क्या है F12 वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो Q2 से Q1 की ओर एक आम वेक्टर की, Q2 से Q1 की ओर ही है एक आम वेक्टर, पहले Q1 से Q2 की ओर ये था, अब एक आम वेक्टर है यहां R21 कैप Q2 से Q1 की ओर। अब आप देखेंगे यहां पर जैसे आपने लिखा था उसी प्रकार इसमें है Q1 upon Q2, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, R equal to R21 वेक्टर और ये मॉड्यूलस है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड्यूलस, क्योंकि Q2 से Q1 की ओर वेक्टर का सदिश ये है, ये भी डिस्टेंस क्योंकि R बराबर ये मॉड्यूलस R1 माइनस R2, तो R स्क्वायर के स्थान पर हम डिस्टेंस लिख सकते हैं R21 वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर। आपको मालूम है ये किसके बराबर है, आपको मालूम है R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर मॉड्यूलस, तो ये यहाँ पर इसके बराबर है, इसको यहाँ लिखेंगे R21 वेक्टर अपॉन ये यहाँ पर Q1 बन जाएगा, तो आप देखते हैं इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये R21 का इसके अंदर गुणा होगा तो ये बन सकता है R21 Q हो जाएगा, ये R स्क्वायर के स्थान पर ये रख दिया और इसका आपने इसके स्थान पर ये रख दिया, तो ये R21 वेक्टर अपॉन ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह स्क्वायर के लिए Q हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये मॉड्यूलस किसके बराबर है, R12 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड्यूलस Q और R21 वेक्टर ये हमारा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये प्राप्त हुआ समीकरण दो। समीकरण एक और दो से आप देखेंगे दोनों बराबर है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, दोनों का परिमाण बराबर आता है लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, केवल दिशा विपरीत है। समीकरण एक और दो से आप देखेंगे ये परिमाण में बराबर है, दिशा में क्या है विपरीत। अब समीकरण एक और दो आपने देखा यहाँ पर ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर उसमें था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लेकिन दोनों का परिमाण तो बराबर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या विपरीत है, तो क्या स्पष्ट निकला दोनों बल बराबर पाए गए लेकिन डायरेक्शन में, तो समीकरण एक और दो से मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे समीकरण एक एवं दो से आपने देखा, समीकरण एक एवं दो से R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर व R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, परमाणु में समान दिशा में विपरीत है, इसीलिए
योगदान का नियम प्राप्त होगा F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। समीकरण एक और दो से आप देखेंगे ये दोनों परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत हैं, इसका मतलब ये दोनों बल परिमाण में तो बराबर है, दिशा में क्या है विपरीत है। तो दोनों बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं। निष्कर्ष निकला दोनों बल परिमाण में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में विपरीत है। तो हम कह सकते हैं, के लिए ये सकते। तो
कुरान के नियम की रेत यानी परास रेत विस्तृत होती है, जो बहुत बड़ी दूरी अनेकों किलोमीटर से बहुत कम दूरी 10^-14 मीटर तक के लिए कूलॉम के नियम की जो रेंज है वो बहुत बड़ी होती है, जो बहुत बड़ी दूरी अनेकों किलोमीटर से बहुत कम दूरी 10^-14 के लिए सत्य होती है। इसे कम दूरी 10^-15 मीटर या इससे कम दूरी 10^-15 मीटर या इससे कम दूरी के लिए इससे कम दूरी 10^-15 मीटर या इससे कम दूरी के लिए नाभिकीय बल प्रभावी होता है। नाभिकीय बल प्रभावी होता है कि कूलॉम का नियम का महत्व है। कूलॉम का नियम स्थिर आवेशों के लिए विद्युत आवेशों के लिए सत्य है। कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, अर्थात आप देख सकते हैं अर्थात F21 vector = -F12 vector। कूलॉम नियम से ताप पर केंद्रीय होता है, अर्थात आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदर होता है। कूलॉम के नियम की परास विस्तृत होती है, जो अनेकों किलोमीटर से बहुत कम दूरी तक के लिए सत्य होता है। इससे कम दूरी 10^-15 या इससे कम दूरी के लिए ना केवल प्रभावी होता है। ये कूलॉम का नियम का महत्व है जिसको मैंने आपको बताया। केवल कूलॉम का नियम दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, वो भी स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए, ये इसकी शर्त है। और अब में दो से अधिक बिंदु आवेश है तो इसके लिए एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। दो से अधिक बिंदु आवेश हो तो उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत काम करता है। तो अब मैं आपको बताता हूं बहु आवेशों के मध्य पर कूलॉम के नियम की रेंज परास को आपने देखा, परास कितने से कितने तक इसकी रेंज होती है इसको आपने देखा। कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, ये भी आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं बहुल आवेशों के मध्य पर, बहुल आवेशों के मध्य पर बहुल आवेशों के मध्य पर बहुत आवेशों के मध्य पर एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत आवेशों के मध्य पर हो बिटवीन मल्टीपल चार्ज
and principal of superposition. Principal of superposition. अध्याय ऊपर का शिक्षा दो बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम होता है। अगर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आप जानते हैं कूलाम का नियम, और दो से अधिक अनेक बिंदु आवेश हैं, तो दो से अधिक बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वहां हो जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत दो से अधिक बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल है। तो अब आप देखेंगे क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर परिणामी पर या नेट पर अन्य किसी एक आवेश पर परिणामी बल या नेट बल अन्य आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग रूप से किसी एक आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग रूप से आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर परिणामी बल या नेट बल अन्य आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर परिणामी बल या नेट बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग रूप से आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो आपने देखा अगर निकाय में एक से अधिक आवेश है तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल या नेट बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग रूप से आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग रूप से आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसको, जैसे आप देखिए माना एक निकाय का एक आवेश है,
गुरु जी गणो।